जब तू मिलिया मैनू मैनू हज मिलिया रज रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू मैनू रब मिलिया मैनू। हे गाइस, राधे राधे। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी और हमें जाना था शादी में भी, तो हम लोग मम्मी पापा की एनिवर्सरी का सबसे पहले केक काटा हम लोग ने, फिर निकल ली हम लोग को जहाँ शादी में जाना है। और फिर यहाँ सुबह सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ गया था, वही 3 बजे उठे थे क्योंकि जल्दी निकलते तो मतलब ट्रैफिक वैफिक कम मिलता है। तो हम बस अब बोर हो रहे थे कि हम आपको कुछ बोल भी रहे थे, सुनाई नहीं दिया। फिर हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर चाय नाश्ता आया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमने खा। ये मम्मी उनके घर के पीछे का दिखा रही थी कि यहाँ देखो जब छोटी थी तो उनके मतलब ये घर मतलब कैसा दिखता था पहले, और अब देखो कैसा दिखने लगा है। और फिर जहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी चाचा ने चाय पिलाई, फिर यहाँ पे पहुँचे तो खाना मिल गया हमको खाने को। और यहाँ पे भैया को कपड़े उपड़े पहनाए जा रहे थे, जो भी रस्म होती है वो हो रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर बारात निकलने का टाइम हो गया, सब लोग बारात के लिए रेडी हुए, सब लोग अंदर जा रहे थे। और फिर हम लोग निकले वहाँ पे जहाँ पे डांस वांस करते थोड़ा बहुत, तो हमने डांस वांस किया। मम्मी खड़ी थी, भैया की पूजा वूजा हो रही थी, जो भी पूजा वूजा होती है तो वो हो रही थी, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत देख लो। और फिर हम लोग बारात में बस पहुँचने वाले थे जहाँ पे ये मेन्यू था, तो मैंने आपको बाहर का दिखाया। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पैदल, क्योंकि वहाँ पे मैं गाड़ी से पहुँची थी, उसके बाद मैं पैदल अंदर तक जाना था। वहाँ पहुँचे फिर नाश्ते में हम लोगों ने सबसे पहले खाए गोलगप्पे, क्योंकि नाश्ते में मुझे गोलगप्पे पसंद है, थोड़े बहुत ट्राई किए अच्छे लगे, हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। मैं आपको इसे लग रहा कूड़ा ही दिखा रही हूँ सॉरी यार, वो मैं एक हाथ से बना रही थी तो क्या कर सकते हैं, वो उसके दोने ज़्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि मैं सबको दोने दे रही थी, इसलिए ऐसा हुआ है मेरे साथ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सुंदर चाट कहते हैं ना, तो वो मम्मी निकाल रही थी अपने लिए जो उन्हें खाना है, मैं तो खाती। फिर मैंने मम्मी ने कहा खा लो, मैंने खाती, फिर मैं डोसा खाया भैया ने दिया। फिर यहाँ पे जयमाल होगा तो वो मैं दिखा रही थी कि इतना सब कुछ सजा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था वैसे फ़िलहाल तो, मुझे तो बहुत सुंदर ही लगा, जैसा भी था अच्छा था। और फिर यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मम्मी बैठी हुई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी और हम कैसे बैठे हुए हैं। और फिर मैं बाहर गई तो वहाँ पे बुढ़िया के जो बाल नहीं होते हैं कैंडी, ठीक है, तो कोटा कैंडी हमने खाई, मुझे अच्छी लगी तो मैंने खाई। और वहाँ पे बर्फ़ के गोले भी थे वो मैं खा नहीं पाई। और यहाँ पे उसके मैं गई नीचे तो वहाँ पे खाना था तो हमने खाना खाया, मम्मी ने अपना खाना। दुल्हन आ चुकी थी, फिर मैं घर पहुँची तो मैंने सोचा कि आपको अपना फुल लुक दिखा दे, तो वो इतना अच्छा आया नहीं, पर क्या कर सकते दिखाना था। फंक्शन खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ मैं पहुँच चुकी थी घर, तो अब मैं जा रही थी सोने के लिए। और फिर सुबह हुई तो एक कप चाय जो मैंने पी सुबह सुबह, और फिर एक कप और मिली, 2 कप हो गई मेरी चाय, क्योंकि फिर नाश्ता वास्ता भी आ गया तो वो खाया। असली मजा कूलर के सामने आता है, जो इसकी सनसनाती हुई हवा लेके सारी गर्मी दूर कर दे। और यहाँ पे मम्मी लेटी हुई थी तो मैं आपको दिखा रही थी कि मम्मी लेटी हूँ, फिर मैंने खाई खिचड़ी, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी दाल रोटी और सब्जी खाई। और फिर हम लोग शाम की पूजा के लिए बाहर जा रहे थे, जो और गाइस यहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज, और नींद भी आ रही है, शक्ल कैसी उतरी हुई लग रही है, तो हम ही चल आ गया पर खाना नहीं आया। और यहाँ पे खाना आ चुका था, पनीर की सब्जी, सैलेड, रोटी। निकल लिए हम अपने घर के लिए, फिर हम लोग घर पहुँचने वाले थे। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे।